नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज के न्यू अपडेट में। तो आज का जो अपडेट है वो बहुत ही खास अपडेट होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को दो नंबर पाया से लेकर के आप लोगों को मैं 16 नंबर पाया तक लेकर के जाने वाला हूँ। और ये ब्लॉग काफ़ी मस्त होने वाला है और लॉन्चिंग का भी आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो वीडियो में बने रहें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारा छोटा चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों का जो प्यार है वो दिखता भी है। और आप लोग ऐसे ही प्यार बना के रखिए, 2022 में भी प्यार ऐसे ही बना के रखिए। जिस तरह से आप लोगों ने जो प्यार दिया था 2021 में वो बहुत ही काफ़ी सराहनीय है, समझ लीजिए। हमें बहुत मोटिवेट मिला आप लोगों से, और आप लोग जो वीडियो को लाइक करते हैं कमेंट करते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अपडेट इस कच्ची दरगाह बिदुपुर का। इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये सामने पेड़ देख सकते हैं, 11 नंबर का पेड़ है। और 11 नंबर के पेड़ में देख लीजिए किस तरह से काम चल रहा है। यहाँ सिंकिंग का काम चल रहा है, जो कि देख सकते हैं किरण के माध्यम से जो है सो ऐसे मिट्टी और पानी निकालने का जो काम है वो भी चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से पानी निकाला जा रहा है यहाँ से। और इसी तरह से जो है एक एक करके जो है निकाल लिया जाएगा। और इधर जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो रोड देख रहे हैं आप लोग, ये नया रोड मिट्टी फिलिंग किया गया है, जो कि 12 नंबर से लेकर के मैं आप लोगों को इधर दिखाऊं 7 नंबर तक जो है मिट्टी फिलिंग कर दिया गया है। और सामने का जो पेड़ है वो 10 नंबर का पेड़ है। आप लोगों को 16 नंबर 17 नंबर भी लेकर के जाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन भी दबा के रखिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सामने का जो पाया है, जो कि देख सकते हैं, ये 10 नंबर का पाया है, जो कि मैं पहली बार आप लोगों को इतना नज़दीक से अपडेट दे रहा हूं। ये जो 10 नंबर का पेड़ है इसका जो है सो पेड़ टेबल तो बन के तैयार है, लेकिन पिछले बार जो बाढ़ आने से पहले, मतलब जिस टाइम में बाढ़ आया था उस टाइम में जो है इसमें शटरिंग देखिए लगा हुआ था, और ये डीशटरिंग नहीं हो पाया था बाढ़ के कारण। मतलब जो सैलाब आया था और जो पानी गंगा में बढ़ गया था उसके कारण इसका डीशटरिंग भी नहीं किया गया है, जो कि इसका पेड़ टेबल तो बन के तैयार है लेकिन इसका डीशटरिंग का जो काम है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि सैलाब बहुत तेज़ी से आया था और पानी का जो स्तर था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, इसके वजह से इसका डीशटरिंग का जो काम है वो नहीं हो पाया था। और ये सामने का जो पेड़ आप लोगों को दिख रहा है ये 12 नंबर का पेड़ है, और ये जो पेड़ आप लोगों को दिख रहा है ये 13 नंबर का पेड़ है। और इसमें देख सकते हैं 18 सेगमेंट जो है ये साइड पटना के साइड में लॉन्च हो चुका है, और 18 सेगमेंट जो है बिदुपुर के साइड भी लॉन्च हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये 13 नंबर का पेड़ है, उसके आगे 14 नंबर का पेड़ है। 14 नंबर में देख लीजिए कुछ काम चल रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर में एक सेगमेंट आया हुआ है, जो कि ऊपर में उठा लिया गया है, उसका कुछ काम बचा हुआ है जो किया जा रहा है। जो बूम लिफ्टर है, जो यहाँ पर एक गाड़ी आप लोगों को दिख रहा होगा उसका नाम ही बूम लिफ्टर है, उससे जो है सो कुछ वर्क चल रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक सेगमेंट को जो है ऊपर में उठा लिया गया, जो लॉन्च है वो समझ लीजिए कर दिया गया है, लेकिन उसका जो ग्लोइंग का काम है वो सब थोड़ा सा बचा हुआ है, वो सब आज के डेट में समझ लीजिए हो जाएगा, तो बहुत जल्द ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इधर में देख सकते हैं ज़्यादा गैप नहीं बचा है एक दूसरे से कनेक्ट होने में, थोड़ा ही फासला है। अब बहुत जल्द समझ लीजिए धीरे धीरे करके जो है सो ये कनेक्ट होने वाला है। ये 14 नंबर का पेयर है और सामने 15 नंबर का पेयर है, और इसमें 14 नंबर का जो सेगमेंट है इसमें देख सकते हैं 14 नंबर का जो पेयर है इसमें जो है सो 21 सेगमेंट लॉन्च हो चुका है, जो कि ज़्यादा नहीं बचा है, 4 सेगमेंट और लॉन्च होना है यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे 21 मतलब 25 सेगमेंट लॉन्च होना है टोटल, ये साइड में पटना के साइड और बिदुपुर के साइड में, मतलब एक पाया से दोनों साइड में 25-25 सेगमेंट लॉन्च होना है, जिसमें से ये साइड में 21 सेगमेंट लॉन्च हो चुका है, उधर भी 21 सेगमेंट जो है लॉन्च हो चुका है। और जैसे ही 25 सेगमेंट लॉन्च होगा एक साइड से तो समझ लीजिए उसका काम अभी रुक जाएगा, उसके बाद फिर सेकेंड वाले पेयर में जो दूसरे वाला पेयर है 13 नंबर का पेयर है उस उधर से भी पूरा 25 सेगमेंट लॉन्च कर दिया जाएगा, तब जा कर के एक पेयर से दूसरा पेयर जो है जुड़ पाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं सामने का जो पेयर है वो 15 नंबर का पेयर है। तो आप लोगों को मैं तस्वीर में जो 2 नंबर के पास दिखाया आप लोगों को वो सब पेयर जो है समझ लीजिए बन के तैयार है, और लगभग इस ब्रिज का जो पाया है वो बन के तैयार है, पेयर टेबल भी बन के तैयार है। कहीं कहीं काम जो बचा हुआ है वो पेयर टेबल का थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। और इसका कहीं पर टावर का भी काम थोड़ा सा बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा डोज टावर लगना है, जो आप लोगों को ऊपर में टावर दिख रहा होगा उसके अंदर जो केबल दिख रहा होगा वो केबल जो एक्स्ट्रा डोज केबल है
उसका काम, उसका जो टावर का काम है वो थोड़ा सा बचा हुआ है कहीं कहीं पर, तो वो भी आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 15 नंबर का पेयर है, इसमें भी देख लीजिए सेगमेंट लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है एक पेयर से दूसरे पेयर जो है अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। और 16 नंबर के पेयर में भी जो सेगमेंट लॉन्चिंग हो रहा है, धीरे धीरे करके लॉन्च हो रहा है, पहले जैसा सेगमेंट जो है अभी लॉन्च नहीं हो रहा है और थोड़ा स्लोली लॉन्च हो रहा है, थोड़ा और फास्ट होना चाहिए था लेकिन कुछ कारण की वजह से समझ लीजिए सेगमेंट जो है लॉन्च अभी तक फास्ट जो है मूवमेंट नहीं हो रहा है उसका। और मैं आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो का अपडेट दिया था कास्टिंग यार्ड का, जहाँ पर सेगमेंट बनता है, वही 3-3 मीटर का जो छोटा छोटा टुकड़ा अपने आप लोगों को दिखाया था किस तरह से सेगमेंट कास्टिंग होता है, वही टुकड़ा वहाँ से कास्टिंग यार्ड से आता है और यहाँ पर जो है लॉन्च कर दिया जाता है। मतलब छोटा छोटा टुकड़ा रहता है, जो कि आप लोग पहले भी मैं वीडियो में अपडेट दे चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को जाकर के, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं किसका जो सेगमेंट का जो शेप है वो किस तरह से वहाँ पर तैयार होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यही वो ब्रिज है, इसके ऊपर भी कनेक्ट होगा वही सेगमेंट। सामने का जो पाया है वो 16 नंबर का पाया है और 16 नंबर के पाए में भी जो है धीरे धीरे लॉन्च हो रहा है, उसमें भी काफ़ी सारा सेगमेंट लॉन्च हो चुका है। तो यही अपडेट आप लोगों को दिखाना था। 17 नंबर का पेयर में भी देखिए सेगमेंट का काम चल रहा है, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। 16 नंबर का जो सेगमेंट है वो 7 सेगमेंट लॉन्च हो चुका है और यहाँ पर हमारे दादा मिले हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और दादा क्या हालचाल है? 16 नंबर में जैक लगा हुआ, 7 नंबर सेगमेंट का, 7 नंबर का सेगमेंट का जॉक जैक लगा हुआ है स्ट्रेसिंग का, जो केबल वाल डाला जाता है, बीच में एक होल है वो केबल फंस रहा था उसको। तो जैक जो लगा हुआ है किस पर्पज़ के लिए जैक लगाए हैं आप? इसका मतलब जैक जो लगाए हैं वो किसके लिए लगाए? स्ट्रेसिंग के लिए लगाए हैं? अरे टेस्टिंग के लिए लगाए, स्ट्रेसिंग के लिए लगाया। उसको जब ग्लूइंग का काम हो गया, 7 नंबर का उसका हो गया, खाली केबल डाल करके, केबल भी डाला हुआ है, जैक भी लगा हुआ है, सब कुछ फंसा दी, बस उसको स्ट्रेसिंग करना है, मतलब केबल को खींचना है, टाइट करना है, उसके बाद फिर दूसरा सेगमेंट आएगा, है ना? ऐसा ही है ना? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को 17 नंबर का कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर में भी सेगमेंट रखा हुआ है लेकिन अभी तक उसको लॉन्चिंग किया नहीं गया है, क्योंकि 16 नंबर का कुछ सेगमेंट लॉन्च हो जाए उसके बाद 17 नंबर का भी स्टार्ट होगा, बहुत जल्द स्टार्ट होगा। तो जैसे ही कुछ हलचल होगा वहाँ पर मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूँगा। सामने देख सकते हैं कास्टिंग यार्ड, इसका वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं देख लिए कितना सारा सेगमेंट यहाँ पर स्टॉक में रखा हुआ है। और 17 नंबर का सेगमेंट में भी काम चल रहा है, जैसे ही कुछ हलचल होगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।